क्या है? डायबिटीज तब होती है जब ब्लड ग्लूकोज, जो कि रक्त शर्करा, ब्लड शुगर भी कहलाती है, काफ़ी अधिक हो जाती है। ब्लड ग्लूकोज एक मुख्य प्रकार की शर्करा होती है जो आपके रक्त में पाई जाती है और आपकी ऊर्जा का मुख्य स्रोत होती है। डायबिटीज़ के कारण क्या हैं? आपका पैनक्रियास, जो कि आपके पेट और रीढ़ के बीच स्थित एक अंग है और पाचन में मदद करता है, यह इंसुलिन नामक एक हार्मोन आपके रक्त में मुक्त करता है। इंसुलिन से आपके रक्त को आपकी सभी कोशिकाओं तक ग्लूकोज पहुंचाने में मदद मिलती है। कभी कभी आपका शरीर पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता या इंसुलिन उस तरह से काम नहीं करती जैसे इसे करना चाहिए, तब ग्लूकोज आपके रक्त में बना रहता है और आपकी कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाता। इससे आपके ब्लड ग्लूकोज स्तर बढ़कर ज़्यादा हो जाते हैं और डायबिटीज़ अथवा प्री डायबिटीज़ उत्पन्न कर सकते हैं। प्री डायबिटीज़ क्या है? प्री डायबिटीज़ तब होती है जब आपके रक्त में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाती है, लेकिन यह इतनी अधिक नहीं होती कि इसे डायबिटीज़ कहा जा सके। प्री डायबिटीज़ होने पर आप में टाइप 2 डायबिटीज़, हृदय रोग और स्ट्रोक होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कुछ मध्यम शारीरिक गतिविधि और स्वस्थ आहार के साथ आप टाइप 2 डायबिटीज़ को टाल सकते हैं। कोई दवाएं लिए बिना आप ग्लूकोज के सामान्य स्तरों को फिर से प्राप्त कर सकते हैं। डायबिटीज़ के संकेत और लक्षण कौन से होते हैं? अधिक प्यास लगना, अधिक बार मूत्र त्याग करना, अधिक भूख का अनुभव होना, बहुत अधिक थकान का अनुभव होना, बिना कोशिश किए वजन कम होना, घावों का धीमी गति से ठीक होना, आपके पैरों में पिने और सुइयां चुभने जैसी अनुभूति होना, आपके पैरों की संवेदनशीलता घटना, दृष्टि का धुंधलापन। टाइप 1 डायबिटीज़, जिसे पहले किशोरावस्था वाली जुवेनाइल डायबिटीज़ कहा जाता था, यह प्रायः युवाओं में ज़्यादा विकसित होती है। हालांकि टाइप 1 डायबिटीज़ वयस्कों में भी विकसित हो सकती है। टाइप 1 डायबिटीज़ में आपका शरीर पर्याप्त इंसुलिन नहीं बनाता, क्योंकि शरीर का इम्यून सिस्टम, जो कि आम तौर से आपको बैक्टीरिया, वायरस और अन्य हानिकारक पदार्थों से छुटकारा दिलाते हुए संक्रमण से बचाता है, वह उन कोशिकाओं पर हमला करके उन्हें नष्ट करने लगता है जो इंसुलिन बनाती हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ के उपचारों में निम्न शामिल हैं: इंसुलिन के इंजेक्शन लेना, दवाई लेना, स्वास्थ्यप्रद भोजन विकल्प अपनाना, शारीरिक रूप से सक्रिय रहना, अपने रक्तचाप स्तरों को नियंत्रित रखना, अपने कोलेस्ट्रॉल स्तरों को नियंत्रित रखना। टाइप 2 डायबिटीज़, जिसे एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ भी कहा जाता है, यह बच्चों सहित किसी भी आयु के लोगों को प्रभावित कर सकती है। हालांकि टाइप 2 डायबिटीज़ ज़्यादातर मध्य आयु और इससे अधिक आयु के लोगों में विकसित होती है। अधिक वजन वाले और निष्क्रिय रहने वाले लोगों में टाइप 2 डायबिटीज़ विकसित होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। टाइप 2 डायबिटीज़ प्रायः इंसुलिन प्रतिरोध से शुरू होती है। यह एक ऐसी दशा होती है जब वसा, मांसपेशी और लिवर की कोशिकाएं ऊर्जा बनाने के लिए शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज ले जाने के लिए इंसुलिन का उपयोग नहीं करती। सबसे पहले अग्न्याशय अधिक इंसुलिन बनाकर अतिरिक्त मांग पूरी करता है। समय के साथ रक्त शर्करा स्तरों में वृद्धि होने पर, जैसे कि भोजन करने के बाद, अग्न्याशय पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता। अगर आपका अग्न्याशय आपके लिए पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता, तो आपको अपने टाइप 2 डायबिटीज़ का उपचार कराना पड़ता है। टाइप 2 डायबिटीज़ के उपचारों में निम्न शामिल हैं: दवाई लेना, स्वास्थ्यप्रद भोजन विकल्प अपनाना, शारीरिक रूप से सक्रिय रहना, अपने रक्तचाप स्तरों को नियंत्रित रखना, अपने कोलेस्ट्रॉल स्तरों को नियंत्रित रखना। जेस्टेशनल डायबिटीज़, जेस्टेशनल डायबिटीज़ तब विकसित हो सकती है जब कोई महिला गर्भवती होती है। गर्भवती महिलाओं में ऐसे हार्मोन बनते हैं जिनसे इंसुलिन प्रतिरोध हो सकता है,
सभी महिलाओं में उनकी गर्भावस्था के आखिर में इंसुलिन प्रतिरोध हो जाता है। अगर गर्भावस्था के समय अग्न्याशय पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता तो महिलाओं को जेस्टेशनल डायबिटीज हो जाती है। आपको अपनी डायबिटीज की देखभाल करने की क्यों ज़रूरत है? समय के साथ डायबिटीज से आपकी रक्त वाहिकाओं, हृदय, तंत्रिकाओं, गुर्दों, मुंह, आंखों, टांगों में गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इन समस्याओं के कारण अंग विच्छेदन करना पड़ सकता है, जो कि पैर की किसी क्षतिग्रस्त उंगली, पैर या टांग को अलग करने के लिए की जाने वाली सर्जरी होती है। हृदय रोग डायबिटीज के कारण होने वाली सबसे गंभीर समस्या है। आपको डायबिटीज हो जाने पर आप में डायबिटीज से रहित लोगों की तुलना में हृदय रोग अथवा स्ट्रोक होने की संभावना दोगुने से भी अधिक हो जाती है। डायबिटीज के साथ आप में हार्ट अटैक के सामान्य संकेत या लक्षण नहीं भी हो सकते हैं। अपने ब्लड ग्लूकोज, रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल स्तरों को अपनी लक्ष्य सीमा में रखने के लिए अपने डॉक्टर के साथ मिलकर कार्य करना अपने स्वास्थ्य की देखभाल का सर्वोत्तम तरीका है। हर दिन अपने डायबिटीज की दैनिक देखभाल करें। अपने ब्लड ग्लूकोज स्तरों को अपनी लक्ष्य सीमा में बनाए रखने में मदद के लिए 4 काम रोजाना करें। अपनी स्वास्थ्यप्रद खानपान योजना का पालन करें। शारीरिक रूप से सक्रिय रहें। अपनी दवाएं निर्देशों के अनुसार लें। अपनी डायबिटीज की निगरानी करें। खाए जाने वाले खाद्य आपकी स्वास्थ्यप्रद खानपान योजना में शामिल चीज़ें: साबुत अनाज और साबुत दालें, गिरीदार फल और बीज, फल और सब्जियां, अंकुरित चीज़ें, विटामिन ए, सी और ई, सैल्मन और मैकरल जैसी मछलियां। बचने के लिए खाद्य पदार्थ: सफ़ेद चावल और मैदा, कैफीन, चीनी मिठाई, चॉकलेट, तले हुए खाद्य, शीतल पेय और फूलों का चीनी युक्त जूस, नमक। वजन बढ़ाने से बचने के लिए प्री संस्कृत खाद्यों, प्रोसेस्ड फूड से बचें। डायबिटीज वाले लोगों को सप्ताह के अधिकांश दिनों में 30 से 60 मिनट तक गतिविधि करने का लक्ष्य रखना चाहिए। आपको स्वास्थ्यप्रद वजन के स्तर तक पहुंचने या वहां बने रहने में मदद करती है। आपके इंसुलिन को बेहतर काम करने में और ब्लड ग्लूकोज स्तरों को कम करने में मदद करती है। यह आपके हृदय और फेफड़ों के लिए लाभदायक है। आपको अधिक ऊर्जा देती है। अपनी दवाएं निर्देशों के अनुसार लें। आपके डॉक्टर डायबिटीज की ऐसी दवाएं लिख सकते हैं जो आपके और आपकी जीवन शैली के लिए सबसे अधिक कारगर होती हैं। अपनी डायबिटीज की निगरानी करें। अपने ब्लड ग्लूकोज स्तरों को नियंत्रित रखने और रिकॉर्ड रखने से आपको अपनी डायबिटीज की बेहतर निगरानी और प्रबंधन करने में मदद मिल सकती है। आवश्यक परीक्षणों और उनकी आवृत्ति के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श करें।